नगर निगम द्वारा सभी वार्डो में लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा वार्ड में से उठाने के बाद कुछ क्षेत्रवासी कूड़े की थैली व खुला कूड़ा वार्डो में डालते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रों में बीमारियां फैल रही है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में कुछ जनता सहयोग नहीं कर रही है। अगर नगर निगम द्वारा वार्डो में कैमरे लगाए जाएं तो शहर से गंदगी भी समाप्त होगी। और क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। आज आप मेयर साहब से मिलने आए हैं, तो क्या है पूरा प्रकरण? आज समाज सेवा मंच के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर मेयर साहब माननीय उमेश गौतम जी को एक ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में समाज सेवा मंच ने ये मांग करी है कि हर गली मोहल्ले में नगर निगम के सफाई कर्मचारी सफाई तो कर जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ क्षेत्रवासी वहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं, जिससे कि मोहल्लों में गंदगी दोबारा हो जाती है। तो समाज सेवा मंच ने ये मांग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवेद खान और हम समाज सेवा मंच से हैं। आज किस विषय में आपने मेयर साहब को ज्ञापन दिया है? हम आज समाज सेवा मंच के सारे पदाधिकारी जो हैं उमेश गौतम जी से मुलाकात किए कि शहर में जो जगह जगह लाइटें खराब है सारे वार्डों में, और जो ये लोग कूड़ा डाल देते हैं, सफाई कर्मचारी कूड़ा लेके चले आते हैं मगर फिर भी लोग गंदगी करते हैं, उनका जो है कम से कम रिकॉर्डिंग हो कि कूड़ा कौन डालना है। दूसरी जगह जगह जो लाइटें खराब हैं उनको सही कराया जाए, और सफाई व्यवस्था जो है होना चाहिए जगह जगह। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही हैं कि शहर में जो है कैमरे लगने चाहिए जगह जगह सारे वार्डों में, और लाइटें जो खराब पड़ी हैं सालों से उसको सही से दुरुस्त कराया जाए। यही हमारी मांगे हैं, और इस पर उमेश गौतम जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम इसको जल्द से जल्द टेंडर करके पूरा कराएंगे। धन्यवाद। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।